चले जोरो। हम लोगों को खरीदना है बटर, टेंट लगना बहुत मुश्किल है यहाँ पे। अरे वो बह गया भाई, इस वक्त कढ़ाई में जो है घी के साथ सरप्राइज बन रहा है। लेपर्ड ना हो ना, लेपर्ड ये भी डर रहा ना उसको देख के। पहली बार देख रहा हूँ मैं कढ़ाई में बनाया केक। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवेंचर विद बॉय भैया। आज मैं लेके जा रहा हूँ आपको एक एडवेंचर ट्रिप पे। आज जो एडवेंचर होने वाला है वो एकदम डिफरेंट है। आज हम एक नई चीज लेके जा रहे हैं एडवेंचर के लिए। कोई अच्छी सी नदी किनारे हम लोग जाएंगे, वहां पर अपनी कैंपिंग करेंगे, वहीं अपनी कुकिंग करेंगे। लेकिन आज हम कैसे जा रहे हैं मैं एक बार आपको दिखा जाता हूँ। लास्ट ब्लॉग्स में मैंने बोला था कि मैं अपनी ट्रॉली का काम करा रहा हूँ। सो गाइस, ये है हमारी ट्रॉली। क्योंकि हमारे मोर्सर ट्रक में थोड़ा स्पेस कम हो जाती है, तो उसके लिए हम आज हम लोगों ने एक ट्रॉली अटैच की है मोर्सर ट्रक के साथ। इसको जब चाहे हम डिटैच कर सकते हैं, जब चाहे हम अटैच कर सकते हैं। हमारे जितने भी गैजेट्स हैं वो इसमें रहेंगे, हमारे कुकिंग का सामान सारा इसमें रहेगा, हमारे टेबल्स चेयर सब कुछ इसके अंदर रहेंगे। आज हमारे थोड़ा इजी हो जाएगा जाना। जाने से पहले हमें एक बहुत जरूरी आइटम चाहिए था, वो चाहिए था आइस बॉक्स। तो हम लोग जा रहे हैं पहले आइस बॉक्स लेने। के लिए जो इसका आ जाएगा उसको निकालने के लिए पानी, पानी पानी कहाँ से निकलता है? ये इसके एक्स्ट्रा भी दिया हुआ है, जो खराब हो जाए तो आप उसको दोबारा लगा। अच्छा, बहुत अच्छा ब्रांड है। देखा तो ये आइस बॉक्स ज्यादा बेटर रहेगा, अगर सही काम नहीं करेगा तो हम वापस भी कर सकते हैं। तो रीजनेबल प्राइस में कहाँ से मिल जाएगी चीज यार, 1000 रुपए में। आइस बॉक्स हमने ले लिया है। आइस बॉक्स की हमें बहुत ज्यादा जरूरत थी। कई खाने का सामान ऐसा होता है कि जो बहुत जल्दी खराब हो जाता है, तो हम लोग इसके अंदर रख के उसे सेफ रख सकते हैं। चलते हैं और आज इसको ट्राई करते हैं। इसको यूज करने के लिए, इसके लिए पहले हमें आइस लेनी पड़ेगी। तो चलते हैं आइस वाले के यहाँ और इसमें आइस डलवा लेते हैं नीचे से। सो गाइस, आज जोरो बैठेगा ट्रॉली में और जोरो के लिए पूरा बिस्तर यहाँ लगा दिया गया है। आज ये कंफर्टेबली आराम से इसमें बैठ सकता है। चले जोरो। का ट्रिप कुछ डिफरेंट होने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। और सारे दोस्त आ गए हैं, जोरो भी आगे बैठ गया है, पीछे हमारी ट्रॉली है, सारा सामान ट्रॉली में है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो आज हम इजीली ट्रेवल करेंगे। यहाँ पे भरेंगे हम ऑयल और उसके बाद बढ़ेंगे आगे के लिए। यहाँ भी खुद तेल भरना पड़ता है। अब निकलते हैं हम अपने मिशन की ओर को। चलिए, हम लोगों को खरीदना है बटर, थोड़ा सा बटर लेते हैं और एक ऑयल की सीसी लेनी है। भाई गाड़ी कितनी खतरनाक लगती है, देखो ना मोस्टर ट्रक कैसा लगता है दूर से। गर्मी के दिनों में ना मजा बहुत आता है। अभी जैसे बहुत गर्म हो गया, इसके बाद हम लोग पानी में अपना स्विमिंग वुमिंग करेंगे तो फिर बॉडी रिलैक्स हो जाएगी। जोरो काफी थक चुका है, जोरो हमारा यहाँ पे सो रहा है, देखो आराम कर रहा है। हेलो, आज मॉन्स्टर के संग ट्रॉली हमने अटैच की थी तो ट्रॉली से काफी बेनिफिट हुआ है, इजी हो गया था हमारे लिए। टेंट लगना बहुत मुश्किल है यहाँ पे क्योंकि तो इतनी हवा चल रही है। एक तो नाला है ना ऐसे बीच में, तो यहाँ से हवा आ रही है इसमें। सो गाइज, हम लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं। हम लोगों ने अपनी लोकेशन सेट कर ली है और बगल में हमारी नदी बह रही है, यहाँ पे पानी बह रहा है। यहाँ पर बनेगा हमारा चूल्हा, हमें दो चूल्हे बनाने हैं क्योंकि हमारा स्टोव काम नहीं कर रहा है। तो दो चूल्हे बना के हम दोनों खाने दोनों चूल्हों में बनाएंगे। ऐसा ना, स्टील के बर्तन है, इसमें अगर तेल नहीं लगाएंगे और मिट्टी नहीं लगाएंगे तो बर्तन काले हो जाएंगे, इसलिए हमें बर्तनों का बचाव भी करना है और खाना भी बनाना। लास्ट खिल्ली थी ये भी खत्म हो गई, क्या पता ये काम कर जाए हमारा। हमने इसकी मदद से आज दोबारा यहाँ पे आग लगाई है क्योंकि माचिस भीग चुकी थी। एक लास्ट खिल्ली बची थी लेकिन उससे भी काम नहीं हुआ, लेकिन ये मेरा काम आ गया। अभी थोड़ा लकड़ियाँ गिली है, अभी आग पकड़ लेगी तो फिर हम खाना बना सकते हैं।
उधर हमारा चूल्हा लगा हुआ है, चूल्हे में हम करेंगे कुकिंग। फिलहाल ये स्पॉट है हमारा, और थोड़ा सा गर्मी हुई थी हमें तो सोचते कि नदी में भी नहा लिया जाए, तो जैसे खाना बनता है उसके बाद हम नदी में नहाने जाएंगे। ये तेल में भट डाल दिए हैं, इसमें ऑयल गर्म होने पर ये अपना अपना फूटने लग जाएंगे, पटपट की जो आवाज़ है जिससे भट अच्छी तरह से भूट जाते हैं, तो फिर ये पकने में इजी हो जाता है। तो भट पकना बहुत ज़रूरी है। जो भट हमने इसमें फ्राई किए थे वो हमने इधर निकाल लिए हैं, ये रखे हुए भट, और अब इसमें जो है ओनियन को हम लोग फ्राई कर रहे हैं। लाइट ब्राउन ना हो जाए तब तक इसे फ्राई करेंगे। एक साइड चावल बन रहे हैं और एक साइड बन रही है हमारी भट की चुलकानी। आज मन्नू भैया बना रहे हैं हमारे भट की चुलकानी। भट फ्राई कर चुके हैं। हमारे पास कुछ अपनी इसी गाड़ी की ट्यूब्स पड़ी हैं, ट्रॉली की ट्यूब्स पड़ी थी, तो हम इनमें हवा भर के लाइफ जैकेट का काम करेंगे हमारा। ये हम इन ट्यूब्स से राफ्ट भी बना सकते हैं, तो चलिए देखते हैं क्या बनता है। पहले इनमें हवा भरते हैं। ये स्टार्ट करनी पड़ेगी क्योंकि स्पीड कम है। ये देखिए पंप की स्पीड काफ़ी तेज़ हो गई है। ये चीड़ का होता है, ये जलाने का काम आएगा, ये आग पकड़ता है आराम से। एक लकड़ी इसके अंदर दबी हुई है, ये निकलना मुश्किल है इसका, तो मैं सोच रहा हूँ इसे काट ली जाए, ये क्योंकि पानी में दबा हुआ है निकालना मुश्किल है इसको, तो इसको काट लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। जलाने की लकड़ी का इंतजाम हो गया। ये लो मन्नू भाई लकड़ी। गाइस दिन भर की गर्मी से काफ़ी स्वेटिंग हो चुकी थी, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक बार इस ठंडे ठंडे पानी में नहा लिया जाए जिससे काफ़ी फ्रेशनेस आ जाएगी। तो चलते हैं, ट्यूबे में ही तैयार है। गाइस इतना मज़ा आ रहा है यहाँ पे, इतना एंजॉय कर रहे हैं, ठंडा ठंडा पानी हो रहा। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, अरे वो बह गया भाई। इस पे स्टिक्स बात के ना राफ्ट बन जाती है, बट लकड़ियाँ अभी लानी पड़ी, काफ़ी अंधेरा हो गया ना तो अभी ठीक नहीं है। गाइस मॉर्निंग में इन्हीं ट्यूब से हम बनाएंगे राफ्ट, और उस राफ्ट की मदद से इस नदी में काफ़ी लंबा सफ़र करेंगे। तो चलिए नहाना धोना हो गया है, काफ़ी नदी में हम लोगों ने नहा लिया है, अब थोड़ा सा भूख लगी है। मन्नू भैया ने बनाई है भट की चुलकानी और राइस। लाइट हमारी जल चुकी है, काफ़ी रात हो गई है, भट की चुलकानी का मजा लेते हैं थोड़ा सा। यार हमारे जोरू को भी दे दीजिए यार। अच्छा जंगल में ना हाथ से खाने का अलग मजा है, घर पे तो स्पून से खाते हैं, यहाँ पे हाथ से खाएंगे तो और मज़ा आता है। चलिए टेस्ट करते हैं एक बार। अल्टीमेट, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। जो भट की चुलकानी है ना, ये मेन इसका क्या है कि ये लोहे की कढ़ाई में बनाई जाती है। ये देखिए ये पूरी जो कढ़ाई है ये आयरन की बनी हुई है। रात के टाइम नदी किनारे ऐसे बैठे हो, चूल्हे का बना हुआ खाना, और दिन भर की भूख, दिन भर की भूख। और उसके बाद नदी में नहाने के बाद ये चीज मिल रही है। भाई अगल बगल भी देखते रहना, जोरों का भाई ध्यान रखना है, कब लेपर्ड आएगा पता नहीं चलेगा। अभी तो भैया आपके लिए सरप्राइज और है। क्या सरप्राइज है यार? सरप्राइज थोड़ी देर में पता लगेगा आपको। आज मन्नू भैया कुछ स्पेशल चीज बना रहे हैं। क्या लौकी कोरी भी लौकी है? कोरी है लौकी। अच्छा लौकी का पानी निकाल के आपने घी में डाल दिया है। मुझे भी मालूम नहीं कि यहाँ पे क्या बन रहा है, बट ये लौकी का कुछ बन रहा है। लौकी कोरी हुई लौकी घी में मिला दिया है। अब इसके बाद की प्रोसेस देखते हैं क्या बनता है। मन्नू भाई क्या बन रहा है? बस ये सरप्राइज है। ये सरप्राइज बन रहा है इस वक्त कढ़ाई में जो है घी के साथ सरप्राइज बन रहा है। आप सरप्राइज खाएंगे? सरप्राइज बिल्कुल बिल्कुल। गाइस हमने अच्छा किया कि हम अपनी ट्रॉली लेके आ गए, क्योंकि मोनेस्टर ट्रक में इतनी जगह नहीं है बैठने की। इसमें हमारा इतना सामान आ गया, आप इसमें स्पेस देखिए, हमारे सारे टेंट्स हमारे सारे गैजेट्स इसके अंदर आ गए हैं। जो बरसात में ये नदी है ना, ये सब मतलब पत्थर पूरे डूबे रहते हैं और हर साल अपना रूप चेंज कर देती है। अच्छा। लास्ट ईयर यहाँ पे क्या था ना, इस जगह पे जहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ पे इतना पानी था कि मतलब कई फुट गहरा पानी था, कई लोग डूब जाए यहाँ पे। अच्छा। लेकिन इस बार क्या, इस बार सारा मटेरियल भर गया यहाँ पे, इतना फोर्स, ये पूरे जंगल, ये ऊपर पहाड़ तक पानी आता है इसमें बरसात में। तो बरसात में तो बिल्कुल पैक आप आ ही नहीं सकते यहाँ पे। और इस वाली रॉक को देखो सामने, इस रॉक को देखो आप एकदम, ये पानी के फोर्स से कटा हुआ है पत्थर पूरा। ये जो ये गड्ढे बने हुए हैं सारे, ये सब पानी से बने हुए हैं। एक बार में नहीं होता, ये कई सालों में होता है। अच्छा। कई साल जब पानी इसमें बहता है ना तो होता है। अभी आप यहाँ पे आ गए हो ना। अच्छा। अब अगले साल आप आना। अच्छा। बरसात के बाद तो आपको ये एकदम डिफरेंट होगा। ये पानी का स्पाइडर होता है। मछली पकड़ा, मछली मछली भाई जोरो मछली पकड़ ला। हाँ मुझे कुछ आवाज आई ऐसी कुछ ना। चल जोरो, चल यार लेपर्ड ना हो ना, ये भी डर रहा ना उसको देख के। अच्छा।
जोरो क्या था बेटा? ये भी थोड़ा अलर्ट सा हो गया इस समय। हाँ अलर्ट हो गया एकदम। ये एक्चुअली इवनिंग का टाइम ना लेपर्ड का है, लेपर्ड इसको देख के एकदम आओ वहाँ चलते हैं यार, यहाँ खड़ा होना ठीक नहीं है ना। वैसे ऐसे अटैक नहीं करेगा, हम लोग है ना तो अटैक नहीं कर सकता अभी। भाई पिछले एक घंटे से मन्नू भाई पता नहीं क्या बना रहे हैं, एक बार चल के देखते हैं क्या बन रहा है। अरे वाह मन्नू भाई क्या बन रहा तुम्हारा यार, ये देखते रहो, इसको पूरा सुखाना है हमने अभी। भाई एक घंटा तो हो गया आपको बनाते हुए, कितना टाइम और लगेगा इसमें? आधा पौन घंटा और लगेगा, पूरा सूखेगी, डायरेक्ट पिक्चर दिखाएंगे आपको। चलो देखते हैं क्या बनता है, क्योंकि काफी सस्पेंस क्रिएट किया है मन्नू भैया ने, अब देखते हैं क्या बनता है। प्रणव जी गैस करो क्या बन रहा होगा? पता नहीं, ये तो मन्नू भैया को ही पता है, लेकिन जो भी बना होगा अच्छा ही बना होगा, बट बता नहीं रहे ना यार, पता नहीं क्या बना रहे हैं यार। मुझे तो ऐसा लग रहा खीर बना रहे हैं, कभी लग रहा कुछ बना रहे हैं। थोड़ी देर और रुको। चलिए जोरो का भी खाने का टाइम हो गया, जोरो भी अपना खाना खा रहा है क्योंकि इसे काफी भूख लगी हुई थी। पिछले दो घंटे से लगे हुए वहाँ पे और न जाने क्या कर रहे हैं, पता नहीं क्या बनाने में लगे हैं। अरे मन्नू भाई, अरे क्या कर रहे हो यार, आओ। इतने दो घंटे हो गए, दो मिनट और सही, तो देखते हैं क्या सरप्राइज होता है। अरे क्या कर रहे हो भाई दो घंटे से? सरप्राइज। अबे ये क्या सरप्राइज है? 100K की बहुत बहुत बधाइयां। मैनी कांग्रेचुलेशंस फॉर 100K। थैंक यू थैंक यू। अरे मेरा भाई ये क्या बना दिया? ये केक है? हाँ, का केक है। ये लौकी का केक है? लौकी का केक है। गाइज मेरे लिए वाकई में एक बहुत बड़ा सरप्राइज है, मन्नू भाई ने बहुत बड़ा सरप्राइज दिया। पहली बार देख रहा हूँ मैं कढ़ाई में बनाया केक, लौकी और दूध का ये केक बना हुआ है। मेरे ख्याल से मन्नू भाई ये भी लौकी के छिलके है ना, ये वाले ना 100 जिससे आपने लिखा है, लौकी के छिलके। इसमें क्या क्या मिला हुआ है? लौकी हो गई, दूध हो गया, दूध हो गया, चीनी हो गई, चीनी हो गई, और तुम्हारे बेस हो गया, बेस हो गया, और क्रीम हो गई। अच्छा क्रीम भी डाली है इसमें। तो गाइज ये फर्स्ट टाइम हम लोग खाएंगे, वो भी कढ़ाई में बना हुआ लौकी का केक। और मन्नू भैया थैंक यू वेरी मच फॉर दिस, आज मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा सरप्राइज गिफ्ट वाकई में मुझे आज तक नहीं मिला, क्योंकि जंगल में रह के और केक बनाना एक बहुत बड़ी बात है। केक काटते हैं 100K का, आज पहली बार कढ़ाई में केक कटेगा, क्योंकि जंगल में कोई ऐसी व्यवस्था है नहीं, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी बात है यहाँ पर केक होना, वो भी मन्नू भैया ने अपने हाथ से बनाया है। तो चलिए केक काटते हैं। हैप्पी 100K, हैप्पी 100K, 100K की बहुत बहुत बधाई आप अभी भैया, हिप पे फोर रे, हिप पे फोर रे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आप सभी का कि आपने इतना प्यार दिया, आज 100K तक मुझे पहुँचाया है। तो ये केक सबसे पहले आपके लिए 100K। चलो मन्नू भाई आ जाओ केक खाओ भाई, 100K का केक भाई ले भाई। थैंक यू वेरी मच। मतलब इतने कॉन्फिडेंस के साथ मैं बोल रहा हूँ कि इतना टेस्टी हो रहा है, एकदम डिफरेंट। चलिए गाइस काफ़ी लेट हो चुके हैं, अब यहाँ से निकलते हैं क्योंकि काफ़ी लंबा जाना है और रास्ते में कई जगह रिवर क्रॉसिंग करनी है, टाइम पे यहाँ से निकल जाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो गाइज़ काफ़ी रात हो चुकी है, आज इस वीडियो को यही एंड करते हैं और मिलते हैं फिर आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें एडवेंचर विद बॉय भैया। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड नाइट गुड बाय, सी यू।